जय द्वारिकाधीश। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम, हम शंभु शरण। इस वक्त भोजपुरी न्यूज टाइम की मौजूदगी द्वारका में है, गुजरात के द्वारका में। गुजरात का वो द्वारका जिस द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कर्मस्थली से लोगों का मन मोहाता, जिसे कर्मस्थली बनाया था, जिसे भगवान ने राजधानी बनाया था। बताते चल कि मान्यता है द्वारकाधीश मंदिर की कि आज से लगभग 2500 साल पहले इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पोते ब्रजनाभ ने कराया था। बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्वार आदि शंकराचार्य ने कराया था। इसे चार धामों में से एक धाम माना जाता है और मान्यता यह भी है कि ये अरब सागर के किनारे शानदार खूबसूरत जो मंदिर का निर्माण कराया गया वो कोई और नहीं भगवान श्री कृष्ण के ही पोते ब्रजनाभ ने कराया था। यहाँ की और भी मान्यता है, ये धार्मिक नगरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात धर्म से लबालब है, तो वहीं गुजरात का द्वारका और आखिरी छोर पे बसा हुआ गुजरात का ओखा अरब सागर के किनारे और प्रायद्वीप के किनारे इस नगर की खूबसूरती देखने को मिलती है। प्रायः हमेशा पीछे मंदिर के ऊपर एवरीडे यानी हमेशा ये जो ध्वज है वो बदला कर किया जाता है, बदलता रहता है, और ये विशालकाय ध्वज इसकी शान और खूबसूरती को बढ़ाता है। तो लगभग 2500 साल पुराना ये मंदिर है, लेकिन जो द्वारिकाधीश की नगरी थी, जो प्राचीन नगरी थी, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना निवास बनाया था, जहां भगवान श्री कृष्ण ने जहां से अपनी राजधानी चलाई थी, वो यहां से कुछ और दूरी पे है। इस मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है भेंट द्वारका। आइए हम वहां आपको लिए चलते हैं और भेंट द्वारका से फिर आपका हम दर्शन आपको दर्शन कराते हैं प्राचीन नगरी द्वारका की। अब हम द्वारकाधीश मंदिर से बेट द्वारका पहुंच चुके हैं। बताते चलें कि जो यहां आने की सुविधा थी वो ये मोटर बोट थी, ये बड़ी बड़ी नावें थी, जिससे करीब 7 से 8 किलोमीटर इस छोर पे आने के लिए उस छोर से मोटर बोट यानी कि नाव पकड़ना पड़ता था। लेकिन अब पिछले एक साल से यहां पे सुविधाएं बढ़ी है और उस छोर से इस छोर को जोड़ने के लिए ये बड़ा सा ब्रिज बना दिया गया है, जिस ब्रिज से ये इस गांव की तरफ कह लें या इस नगर की तरफ कह लें या बेट द्वारका के लिए कह लें, आने के लिए सुविधाएं सुगम हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि श्री कृष्ण की ये नगरी द्वारका ये अपने आप में अलौकिक है, विलक्षण है। ये सामने सीधा जैसे देखिए बड़ी बड़ी नावें दिख रही है और यहाँ पे कारोबार मछलियों का होता है। ये अरब सागर है, ये अरब सागर और प्रायद्वीप का ये किनारा है, जिसमें अब बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा इसमें उद्योग भी किए जाते हैं, चाहे नमक के हों चाहे मछली व्यापार के हों। लेकिन सामने बेट द्वारका दिख रही है जो चारों तरफ से घिरी हुई है। इसका एक असल रूप और है जो असली द्वारिका है, जहाँ पे असली भगवान श्री कृष्ण की जहाँ पे राजधानी हुई हुआ करती थी, वो द्वारिका धीश मंदिर से कुछ इतर यानी अलग में, जो समुद्र के अंदर पूरी तरह डूब चुकी है, जहाँ पे भारत सरकार के प्रयास से अब वहाँ पे पनडुब्बियाँ चलाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जहाँ पे असली द्वारिका है वहाँ पे जाने का भी प्रबंध किया जा रहा है कि हमारे दर्शनार्थी हमारे भक्तगण वहाँ पे जाएं और दर्शन करें, आनंद उठाएं, लुप्त उठाएं और द्वारकाधीश की डूबी हुई इस नगरी को देख सकें। तो प्राचीन नगर द्वारका, जहाँ पे द्वारकाधीश यानी श्री कृष्ण जहाँ पे उनकी राजधानी हुआ करती थी, जहाँ पे सुदामा वहाँ से चल के यहाँ आए थे, जहाँ पे भेद भी किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने दिखाया, द्वारका के विहंगम दृश्य को, ये सुंदर ये अरब सागर को जिसमें बोट ही बोट दिखाई दे रही है, जिसमें अलग अलग कामों के लिए बोट का प्रयोग किया जाता है। और हम इस वक्त बेट द्वारका में हैं और बेट द्वारका में लोग जब आते थे इसी तरह से नाव और बोटों के सहारे आते थे, यहाँ उतरते थे और फिर दर्शन करके अपने गंतव्य को जाते थे। लेकिन अब पुल होने से काफ़ी सहूलियत मिल गई है, तो आपको आज दर्शन कराया द्वारका से, द्वारकापुरी से, द्वारकाधीश के दर्शन हुए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन मनोज सिंह, हम समझ देखते रहे भोजपुरी न्यूज टाइम।